नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रस के प्रकार में आज हम पढ़ेंगे करुण रस। करुण रस की परिभाषा पढ़ेंगे और इसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। शोक इसका स्थायी भाव है। दुख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है। जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत होकर मनुष्य को भोग भाव से धना भाव की ओर प्रेरित करता है। करुणा से हमारे हृदय में हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। ऐसी स्थिति में करुण रस होता है। अब करुण रस को परिभाषित हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसकी परिभाषा देखिए आप, किसी प्रिय वस्तु या धन की हानि होने पर या नष्ट होने पर या किसी नज़दीकी व्यक्ति का अनिष्ट होने या स्थायी वियोग होने से हमारा मन शोक से भर जाता है, तब हृदय में करुण रस जागृत होता है। इसे करुण रस कहते हैं। करुण रस को इस तरह से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, इसका स्थायी भाव शोक है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य नाश, संपत्ति का नाश, अर्थ का नाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना हमारे मन में उत्पन्न होती है, उसे करुण रस कहा जाता है। हालांकि वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहां पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है। और करुण रस में व्यक्ति जो आपका प्रेमी है वो सदैव आपसे बिछुड़ जाता है। अब करुण रस के अवयव की बात करते हैं। करुण रस के अवयव, पहला है स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का आलंबन है कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके आप बहुत ज़्यादा करीब हैं। करुण रस का उद्दीपन है जो आपका प्रिय व्यक्ति है उसका, मान लो जैसे अंतिम संस्कार हो रहा है तो वो दृश्य, उसके जो गुण हैं, उसकी जो अच्छी आदतें हैं जिनसे आप प्रभावित हुए हैं, या उससे जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनके चित्र हैं, उनकी बातों का वर्णन है, ये सारी चीज़ें उद्दीपन विभाव में आती है। अनुभव, करुण रस जब हृदय में उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति होती है, व्यक्ति तेज तेज रोने लगता है, छाती पीटने लगता है, श्वास तेजी से चलती है, भूमि पे गिर जाता है, रुदन करता है, प्रलाप करता है, शरीर में कंपकपी छूटती है, देव निंदा, भगवान को गालियां निकालते हैं गुस्से में, करुण रस की वजह से मूर्छा आ जाती है, ये सारी बातें अनुभव में आती है। और करुण रस के संचारी भाव हैं निर्वेद, मोह, व्याधि, ग्लानी, विषाद, जड़ता, उन्माद आदि। अब करुण रस के उदाहरण की बात करते हैं। एक उदाहरण लिया मैंने, शोक विकल एब रोवही रानी, रूप सीलु बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा।
इस उदाहरण में स्थाई भाव शोक है। राजा दशरथ जी यहाँ आलंबन है, उनकी जो रानियाँ हैं वो आश्रय है। राजा दशरथ का रूप, तेज, बल आदि उद्दीपन है। रानियों द्वारा रोना, विलाप करना ये अनुभव है, और स्मृति, मोह, उद्वेग, कंपन आदि संचारी भाव है। इसलिए इस उदाहरण में करुण रस है। तो दोस्तों, आप करुण रस को अच्छे से समझ गए होंगे, यानी जब हमारा कोई भी प्रिय व्यक्ति या वस्तु, उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है या हमसे बिछड़ जाता है हमेशा के लिए, तो उसकी वजह से व्यक्ति के हृदय में, मन में जो दुख होता है, शोक बढ़ जाता है, तब करुण रस होता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।